चेहरा, सुंदरता, मैं मेकअप लगा रही हूँ अपने आप को। नमस्ते, मेरा नाम अवाति नागराल है और मैं कोशिश करने वाली हूँ इस चलचित्र को हिंदी में बनाने के लिए। और मैं अपना मेकअप को क्या कहते हैं, मैं मेकअप लगा रही हूँ अपने आप को, बहुत बेसिक वाला। और मैं कोशिश करूँगी सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हिंदी में बोलूँ। तो पहले तो आप अपने मुंह को बहुत अच्छे से धो लेना, और अच्छे से जब आप ड्राई करते हो ऐसे ऐसे मत कर लेना, आप तौलिया लेके पैक पैक कर देना, तो फिर बहुत जलन वाला फीलिंग नहीं आएगा, एहसास नहीं आएगा। फिर आप मॉइस्चराइजर ले लो। ये मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ इसका नाम है क्लिनिक मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये मैंने अपनी माँ की कबर से ले लिया है, लेकिन आप कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं जो आपके आपकी त्वचा के लिए अच्छा, आपकी त्वचा के लिए अच्छा हो। ओके, भाग दो। मैं अपने आप पर ये डियोर वाला बीबी क्रीम लगाती हूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पसंद है। मैं उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट देती हूँ, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी माँ दो तीन अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करती है, ये मुझे पसंद है और ये मेरे स्किन टोन के साथ मैच करता है, तो ये डियोर वाला मीडियम वाला बीबी क्रीम है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा लेती हूँ आँखों के नीचे, यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ। और मैं जब पहले करती थी मैं हाथों से करती थी, लेकिन अभी मैंने स्पंज का मज़ा उठा लिया। तो ये स्पंज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं गेम के जैसे देखती हूँ। कभी कभी अगर मुझे शूटिंग करनी है बेसिक वाली, मैं कंसीलर भी डालती हूँ। ये मेकअप फॉर एवर वाला कंसीलर है, और एक मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे ये ट्रिक सिखाई है कि थोड़ा सा ले लो, लेकिन सिर्फ कंसीलर मत डालो अपनी त्वचा पर, आप बीबी क्रीम भी मिक्स कर दो उसके साथ या फाउंडेशन भी मिक्स कर दो, तो फिर ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा लेती हूँ, देखिए, और मिक्स करके सिर्फ उन स्पॉट्स पे डालेंगे जहाँ बहुत जरूरत है। जैसे ये देखो, यहाँ पे जरूरत है, हो गया। अभी मेरी नाक और मेरे माथे से बहुत पसीना आती है, तो मैं पाउडर भी लगाती हूँ। मैं दिखाती हूँ क्या करती हूँ। मैं दो तरीके पाउडर लगा सकते हैं। मैं ये वाला ट्रू मैच लॉरियल वाला पाउडर लेती हूँ, कोई भी ड्रग स्टोर में मिलता है, नहीं तो आप कोई रंग वाला सफ़ेद वाला पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ज़्यादा पुराना है तो मैं इसको पहले ख़त्म करना चाहती हूँ, और इसको डैब 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 मतलब ऐसे करके अपनी त्वचा पे डालो, खींच के मत कीजिए। ज्यादातर नाक, आंखों के नीचे और माथे पर लगाती हूँ। कई लोग अपने आंखों के ऊपर जो बाल ब्राउ कहते हैं उनको जो है उसको हर रोज करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करती इनके बारे में। मैं सिर्फ आंखों पे थोड़ा सा कुछ डालूंगी, दिखाती हूँ आपको। सो एक आई शेडो वाला पैलेट है जो किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, H&M से है, और इसमें जो रंग है वो ज़्यादा न्यूट्रल वाले हैं, तो मुझे वो ज़्यादा काजल वाला लुक पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक छोटा सा जो ये मेरे त्वचा के रंग से सबसे सम्मानित है, तो मैं अपनी आँखों पर थोड़ा सा डाल देती हूँ, और मैं ये जो सबसे काला वाला दिखाई दे रहा है मैं उसको लेती हूँ इस ब्रश पे, और आप देख रहे हो कि मैं जब लगाती हूँ मैं आंखों को बिल्कुल नहीं खींचती,
काजल वाला लुक चाहिए, मुझे पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे भी डाल सकते हो। मैं हर रोज मस्कारा नहीं पहनती, ये भी डियोर वाला है, मुझे डियोर बहुत पसंद है, उनके प्रोडक्ट्स मेकअप वाले, और इतने भी महंगे नहीं है। मुझे लगा था कि महंगे होने वाले हैं, लेकिन इतने भी महंगे नहीं है। तो इसको थोड़ा सा लगा के आंखों पर डाल सकते हैं, आंखों पर नहीं, आंखों के बाल, की बाल के बाल ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा। ध्यान से देख लेना कि आपको चोट नहीं लगती। और आखिर में होठों पे क्या लगाना है मैं बताती हूँ। ये भी डियोर का प्रोडक्ट है, इसको लिप ग्लो रिवाइवल बाम कहते हैं। ये एक क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में चैपस्टिक कहते हैं, लेकिन क्या कहता है, क्या करता है ना, जब आप लगाते हो थोड़ा गीलापन दिखाई देता है आपके होठों पर। इसमें रंग नहीं है, लेकिन ये क्या करता है ना, आपके होठों का जो नेचुरल रंग है उसको थोड़ा सा खिलाता है। हाँ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ये बहुत बहुत आसान लुक है। ये विंग्स भी निकाल सकते हैं, मैं दिखाती हूँ एक्चुअली एक विंग, पहले लुक को दिखाती हूँ। अगर विंग निकालना है निकाल भी सकते हो, ज्यादा अच्छा होगा टिश्यू से, लेकिन निकाल सकते हो। देखो इस साइड का भी निकाल सकते हैं, तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आप देख लो। और मैंने बहुत कोशिश की है इस चलचित्र में सिर्फ हिंदी में बात करने की, तो आप बता दीजिए कि मेरी हिंदी मैंने अच्छा काम किया, जॉब किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, कृपया बता दीजिए नीचे कमेंट्स में कि और ऐसे कैसे वीडियो करूँ मैं। और आप ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।